ह्यूमन बीइंग में सबसे बड़ी दिक्कत है, हम सबका स्ट्रक्चर सेम है। अगर आपके बच्चे की टाइगर पर्सनालिटी है, डिफरेंट करियर, लायन पर्सनालिटी है, बिल्कुल डिफरेंट करियर। हेलो एवरीवन, सार्थक दिस साइड फ्रॉम प्लैनेट स्टडी। आई वेलकम यू ऑल टू द करियर गाइडेंस आफ्टर 10th वीडियो। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ देखें तो ज्यादा क्लैरिटी होगी आपको अपने करियर से रिलेटेड। और बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि ये करियर गाइडेंस है क्या, तो हम आज एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे कैसे करियर गाइडेंस होती है और कैसे कैसे इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वर्क करता है। करियर गाइडेंस एक सर्विस है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए, जिसके बेसिस पर स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी एंड इंक्लाइनेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। सार्थक, ये इंक्लाइनेशन क्या होता है? एक डिफॉल्ट टेंडेंसी, एक डिफॉल्ट नेचर होता है ना इंसान का, हम कहते हैं ना ये इंसान तो ऐसा ही है। वो जो ऐसा ही है इज द डिफॉल्ट इंक्लाइनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अब अगर किसी भी स्टूडेंट को उसका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंक्लाइनेशन पता चल जाता है, देन हाफ बैटल इज वन। अब बस उसको इन 4 एस्पेक्ट्स के बेसिस पे और कुछ स्मार्ट वर्क करके अपने करियर को शेप करना है। सार्थक, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, ये सच में सिंपल है। अब इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं करियर गाइडेंस प्रोसेस, और ये करियर गाइडेंस होता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में। ऑफलाइन करियर काउंसलिंग आज से 50 साल पहले से चल रही है, लेकिन फिर भी आपको आसपास कोई करियर काउंसलिंग कराता हुआ नहीं मिलता, खासकर कि ऑफलाइन मोड में। उसके 2 रीजन है। नंबर 1 रीजन, नो स्टैंडर्डाइजेशन, राइट? आपको क्वालिटी काउंसलर्स का एक्सेस टियर 2 या फिर टियर 3 सिटीज में नहीं मिलेगा। एंड नंबर 2 ड्रॉबैक इज, अगर आज करियर काउंसलर का मूड अच्छा है तो काउंसलिंग अच्छी होगी, अगर आज करियर काउंसलर का मूड अच्छा नहीं है तो काउंसलिंग कुछ भी होगी, राइट? ह्यूमन इंटरवेंशन है, तो इसलिए ऑनलाइन करियर काउंसलिंग धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। और ऑनलाइन करियर काउंसलिंग होती है AI के बेसिस पर, एंड जिसका अगेन कोई मूड नहीं होता, राइट? करियर काउंसलिंग AI अगर करेगा तो वो 500 BSc करेगा, वो फर्स्ट टाइम BSc करेगा, और उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। तो इसलिए ऑनलाइन करियर काउंसलिंग धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और वो जो ड्रॉबैक ऑफलाइन करियर काउंसलिंग के थे उनको फिनिश कर रहा है। आज से कुछ टाइम पहले करियर काउंसलिंग का मीनिंग होता था बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? जिसमें जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है करियर से उनके बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी। अब एक एडिशनल फीचर उसमें आ चुका है जिसमें हमें यह भी बताना होता है कि करियर काउंसलर के हिसाब से बेस्ट करियर कौन सा होगा स्टूडेंट के लिए। आपका बच्चा अगर 9th-10th क्लास में, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं मैं उनको कह रहा हूं, और अगर आप एज अ स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप भी अगर 9th-10th क्लास में हो ना, और आपको अपनी स्ट्रीम चूज करनी है PCM, PCB, कॉमर्स विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, और आपने अगर गलती से एक गलत स्ट्रीम चूज कर लिया जो आपके पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और डिफॉल्ट इंक्लाइनेशन से मैच नहीं करता, तो आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि CBSE एंड ICSE दोनों ही बोर्ड्स में स्ट्रीम चेंज करने का एक बहुत ही रिग्रेस प्रोसेस है, जिसको 80% स्टूडेंट्स इन बिटवीन ही छोड़ देते हैं, राइट? तो एक बार अगर आपने स्ट्रीम चूज कर ली तो कर ली, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपका करियर शेप भी नहीं हो सकता। थोड़े से हार्श वर्ड्स हैं, लेकिन दैट्स द रियलिटी। एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर हमें अपनी स्ट्रीम चूज नहीं करनी है। एक्सटर्नल मतलब समाज, रिश्तेदार, सक्सेसफुल भाई एंड बहन, हर कोई अपनी थ्योरी बताता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। हमें दुनिया के बारे में नहीं जानना है, हमें सिर्फ अपने बारे में जानना है, हमें इंटरनल फैक्टर्स पर फोकस करना है। इंटरनल मतलब अगेन पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड डिफॉल्ट इंक्लाइनेशन। तो एक ब्रॉड व्यू आपको पता चल गया, मैंने आपको एक टॉर्च बियरर की तरह बता दिया कि करियर गाइडेंस होता क्या है। अब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का डिस्कशन करते हैं कि ये करियर काउंसलिंग होती कैसे है। सो प्रेजेंटिंग द 4 स्टेप प्रोसेस ऑफ करियर काउंसलिंग। स्टेप नंबर 1, नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड इंक्लाइनेशन। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानना है। ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, एलजेब्रा, इन सब चैप्टर से मिलकर मैथ्स बनती है, राइट? आप मैथ्स को क्या कहोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स। सेम इसी केस में आपकी पर्सनैलिटी भी कुछ वेरिएबल से मिलकर बनती है, लाइक कॉन्फिडेंस, ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटिटिवनेस, फोकस, राइट? सो इन सब वेरिएबल से मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बनती है। अगर आपका फोकस और कॉन्फिडेंस हाई है, देन आपकी एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है। आप इमोशनली स्टेबल हो, मतलब आपके जब ज्यादा मार्क्स आते हैं तो भी आप नॉर्मल रहते हो, आपके जब कम मार्क्स आते हैं तो भी आप नॉर्मल रहते हो, देन अगेन आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। और आपको अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो वो भी आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का पार्ट बनता है। तो ये सारे वेरिएबल्स को टेस्ट किया जाएगा, और आपकी जितनी भी पर्सनैलिटी वेरिएबल होते हैं ना, उनको हम टेस्ट करते हैं बार के बेसिस पे। मैथ्स में आपके स्कोर आते हैं ना 10, 20, 30, 40, 50 up to 100, ऐसे ही आपका पर्सनैलिटी में बार आता है लो, मॉडरेट एंड हाई। ऐसे ही सेम केस में आपका इंटरेस्ट, अब आप अपनी खुद की स्ट्रीम तो नहीं बना सकते, हमने अकाउंट्स ले लिया, फिजिक्स ले लिया और साइकोलॉजी ले लिया और एक अपना खुद का स्ट्रीम बना दिया, नहीं, आपको अपने एक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस सब्जेक्ट में आपका मन लगता है। सार्थक, हमारा तो किसी भी सब्जेक्ट में मन नहीं लगता। नहीं, एक सब्जेक्ट तो ऐसा होगा जिसको पढ़ते हुए आपको मजा आता होगा, भले ही आप आलस या फिर प्रोकेस्टिनेशन की वजह से उसको नहीं पढ़ते हो, लेकिन अगर आप उसको करने बैठोगे तो ऑटोमेटिकली आपको
टाइम का पता नहीं चलता। तो ऐसे करके स्टेप वन में हम अपनी पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इन सब पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इन सब एस्पेक्ट्स पर वर्क करेंगे, राइट। तो पहले तो हम प्रोसेस डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये होगा कैसे। स्टेप नंबर टू, रिसर्च डिफरेंट करियर ऑप्शंस इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। इसके लिए हम चलते हैं ट्यूटोरियल फॉर्मेट पर। सो स्टेप नंबर टू इज रिसर्च द करियर ऑप्शंस इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, राइट। स्टेप वन हमको क्लियर हो चुका है, स्टेप टू पर आते हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रीम हमारे पास अवेलेबल है? PCM दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, PCB दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कॉमर्स विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स एंड आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज, राइट। तो अब ये जो जितने भी करियर्स होता है ना, इनको हमने 10 ब्रॉड कैटेगरीज में डिफरेंशिएट किया है। 1.5 ईयर्स में ये सारा कंटेंट हमने डिस्कवर किया है और मैं आज आपको बता रहा हूं। तो 10 ब्रॉड कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे। कौन-कौन सी कैटेगरी होंगी? इंजीनियरिंग, आर्म्ड फोर्सेस, मेडिकल अलाइड, मेडिकल लाइफ, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, डिजाइनिंग, लॉ एंड मास कॉम, प्रोफेशनल डिग्री, ग्रेजुएट एंड ऑफबीट, राइट। नंबर 1 कैटेगरी इज इंजीनियरिंग करियर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मतलब PCM स्ट्रीम के स्टूडेंट पर्टिकुलरली इस करियर में जाते हैं। कौन-कौन सी इंजीनियरिंग स्ट्रीम हमारे पास है? एरोनॉटिकल, कंप्यूटर, टेक्सटाइल, जियोलॉजिकल, एग्रीकल्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल, मेटलर्जिकल, फूड इंजीनियर, मरीन, बायोमेडिकल, प्रोसेस माइनिंग, मटेरियल, नेवल आर्किटेक्ट, न्यूक्लियर, सिविल प्रोडक्शन, पेट्रोलियम, रबड़, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनर्जी। कुछ स्मॉल डोमेन्स से जो अब एक परमानेंट इंजीनियरिंग में बन चुके हैं उनको मैंने यहाँ पर एक्सक्लूड करके रखा है, क्योंकि वो सारे कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है, राइट। सो दिस इज कैटेगरी नंबर 1। चलते हैं कैटेगरी नंबर 2 की तरफ, आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये तीन करियर आपको मिलेंगे। आर्मी एक ऐसा करियर है जिसमें कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स जा सकते हैं। नेवी एंड एयरफोर्स ये ऐसे करियर हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ PCM स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं, राइट। कैटेगरी नंबर 3 ये होती है PCB दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, मेडिकल एंड एलाइड करियर्स, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ PCB स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जा सकते हैं। सार्थक कैसे, कौन कौन से करियर्स हैं? MBBS, BDS, BHMS, BAMS एंड BUMS। MBBS की जिस जिसने मुझे फुल फॉर्म बता दी मैं उसको पार्टी दूंगा, बैचलर्स इन मेडिसिन एंड बैचलर्स इन सर्जरी, राइट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ MBBS। इसमें आप डेंटल, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी, इन सब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आप अपने यहां पर बैचलर्स और MBBS कर सकते हो, राइट। कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 4, सार्थक मेडिकल में कौन कौन से करियर है? नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से डिग्रीज करते हो, ये डिफरेंट कोर्सेज करते हो, तो आपके पास PCB होना जरूरी है, राइट। कैटेगरी नंबर 5 ये आती है कॉमन कैटेगरी में। सार्थक ये क्या होता है? ये ऐसे करियर्स हैं जिनको कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। दो कैटेगरी हमने बात करी PCM स्ट्रीम स्पेसिफिक, दो कैटेगरी हमने बात करी PCB स्ट्रीम स्पेसिफिक। अब ये करियर्स ऐसे हैं जिनको कोई भी कर सकता है, वेदर इट्स PCM, PCB, कॉमर्स विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, राइट। कैटेगरी 5 में आता है फाइनेंस टैक्सेशन, CFA, ACCA, CS, CPA, CA, एक्चुअरियल साइंस एंड CMA। कैटेगरी नंबर 6 डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, फुटवेयर डिजाइनिंग एंड ज्वेलरी डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग में मोर देन 100 करियर प्रोफाइल आपको मिलेंगे, राइट। तो मैं ब्रॉड कैटेगरी आपको बता रहा हूं, नहीं तो 15,000 प्लस करियर प्रोफाइल हो जाएंगी। मैं आपको यहां पर 250 ब्रॉड करियर्स बता रहा हूं, ठीक है। कैटेगरी नंबर 7 लॉ एंड मास कॉम, ये कहां गया? मोस्ट अंडररेटेड करियर ऑफ इंडिया, मास कम्युनिकेशन। तो पहले हम लॉ का डिस्कशन करेंगे, सिविल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, मेडिकल लॉ, मैरिटाइम लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, साइबर लॉ, ये सब कुछ आपको डिफरेंट डिफरेंट डिग्री की फॉर्मेट्स में मिलेगा। मास कम्युनिकेशन, सार्थक कौन कौन से करियर्स हैं मास कॉम में? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि बस एक जर्नलिस्ट ही तो बन सकता है हमारा बच्चा, नहीं, आज डिस्कशन करते हैं। एडवर्टाइजिंग, डिस्क जॉकी, फिल्म मेकिंग, जर्नलिज्म, रेडियो जॉकी, पब्लिक रिलेशन, वीडियो जॉकी, ब्लॉगिंग, फोटोग्राफी, साउंड इंजीनियर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटर, स्क्रीन राइटर, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग, राइट। ये थी हमारी कैटेगरी नंबर 7। अब आते हैं कैटेगरी नंबर 8 पे, प्रोफेशनल करियर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। BBA, BCA, BBM, HM, HM मींस होटल मैनेजमेंट, BMS, BFA एंड BEd। ये तो सारे डिग्रीज थे, वो भी जो प्रोफेशनल लेवल पर थे। अब जितने भी ग्रेजुएशन करियर्स हैं वो कहाँ गए? जहाँ पर 65-70% क्राउड जाता है, आते हैं ग्रेजुएशन करियर्स पर। PCM स्पेसिफिक कौन कौन से ग्रेजुएशन करियर हमारे पास अवेलेबल हैं? अगर हमें BSc करनी है, मतलब PCM स्ट्रीम के स्टूडेंट को BSc करनी है, वो कौन कौन से फील्ड में कर सकता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फॉरेंसिक साइंस, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नॉटिकल साइंस, होम साइंस, न्यूट्रिशन, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, फैशन डिजाइनिंग एंड फैशन टेक्नोलॉजी। अगर उसको बीए करनी है तो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कर सकता है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फॉरन लैंग्वेज, ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्सेज, इंग्लिश, आर्कियोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन। अगर उसको ऑनर्स करनी है तो वो फिजिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स कर सकता है, अगर उसके पास CS है क्लास 12th में। यह था PCM स्ट्रीम। अब आते हैं
पीसीबी स्ट्रीम के लिए कौन कौन से डिग्री ऑप्शन अवेलेबल है, वो बीएससी कर सकते हैं कौन कौन से फील्ड में, मेडिकल टेक्नोलॉजी, ऑक्यूपेशन ऑडियोलॉजी, स्पीच पैथोलॉजी, रेडियोग्राफी, ये सारे फील्ड्स में वो अपनी बीएससी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ दो करियर पता था ना, एमबीबीएस और बीडीएस, उनके आज डाउट काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ह्यूमैनिटीज पर आते हैं। ह्यूमैनिटीज वाला स्टूडेंट कौन कौन सी ग्रेजुएशन कर सकता है, बीए वो इन सब फील्ड्स में कर सकता है, ऑनर्स वो इन सब फील्ड में कर सकता है, अदर उसके लिए स्पेशल कोर्स ये होगा। कॉमर्स स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अपनी बैचलर्स लेवल यहाँ यहाँ से कर सकते हैं और इन डिफरेंट कोर्सेज में कर सकते हैं। ऑनर्स की बात करें तो बी कॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और नॉर्मल कॉमर्स कोर्स की बात करें तो सिंपल बी कॉम। अब हम इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं यूट्यूब फॉर्मेट में या फिर वीडियो फॉर्मेट में। क्या ये करियर नहीं है? हाँ ये करियर है। ये कौन से करियर है? ये है ऑफ बीट करियर। इनमें रिस्क मैक्सिमम होता है और स्टूडेंट इनको एज अ हॉबी स्टार्ट करता है, अपने एक करियर के साथ पैरेलली स्टार्ट करता है, फिर इसको अगर ये ग्रो कर जाता है तो इसको अपना मेन करियर बना लेता है। राइट, ऐसे ही सबने स्टार्ट किया, ऐसे ही ऑफ बीट करियर स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से ऑफ बीट करियर्स हैं, चलते हैं ना। ऑफ बीट करियर्स, करियर एज अ यूट्यूबर, कार रेसर, बारटेंडर, पेट ग्रूमर, चॉकलेटियर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, टी टेस्टर, फ्लोरिस्ट, जॉकी, रेडियो जॉकी, डाइविंग, गेमर, माउंटेनियर, इंस्टा इन्फ्लुएंसर, कॉस्प्लेइंग, टैटू आर्टिस्ट, नेल आर्टिस्ट, ब्लॉगर, कैलीग्राफी, मैजिशियन, जर्नलिस्ट, माइक्रो वीडियो इन्फ्लुएंसर, वाइन टेस्टर, आइसक्रीम टेस्टर, स्टैंड अप कॉमेडियन एंड पर्सनल शॉपर। ये सारे करियर्स आपके आएंगे ऑफ बीट करियर में। तो आप लिस्ट देख सकते हैं, इतने सारे करियर्स अवेलेबल। तो स्टेप वन में हमें अपने आप को जाना था, स्टेप टू में हमने सारे करियर्स का सब कुछ जान लिया। ठीक है, अब हमारे पास आता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। हमें ये तो पता चल गया हम ट्वेल्थ के बाद क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा। अपनी बैचलर खत्म करने के बाद आप एमबीए कर सकते हो, आप मास्टर्स कर सकते हो जिसमें अदर देन एमबीए सारे कोर्स आ जाते हैं, एमटेक, एमकॉम, ये सब कुछ। गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, आप स्टडी अब्रॉड पे जा सकते हो, या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप भी अप्लाई कर सकते हो अपने माइंड पर, और वो आप ट्राई कर सकते हो अपनी लाइफ में। राइट, तो ये सारे के सारे करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं। दो स्टेप क्लियर हो गए, पहला स्टेप अपने आप को जानना, स्टेप टू सारे करियर्स। स्टेप थ्री पर आते हैं और ये बहुत ही बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप थ्री इज अलाइनमेंट ऑफ करियर विद सेल्फ एनालिसिस। हमारी लाइफ है ये, मैं इसको अपना सेल्फ एनालिसिस कह के चलता हूं। यहां पर कुछ गैप्स है, ऐसे ही हमारा करियर है, यहां पर भी कुछ गैप्स है। अब हम इसको ऐसे कोलैबोरेट करेंगे तो सारे गैप्स फिल हो जाएंगे। ऐसे नहीं करना है, ये तो आपस में एक दिक्कत हो जाएगी, गैप्स ज्यादा हो जाएंगे, बहुत डीप गैप हो जाएंगे। यहां पर गैप, अब ये आपस में एक दूसरे को कोलैबोरेट करें तो ऐसे करके हमारी लाइफ चलेगी। राइट, दिक्कत क्या है, अगर हम किसी एनिमल को देखते हैं ना तो उसका स्ट्रक्चर उसकी वर्किंग को डिफाइन करता है। बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है लेकिन वो पेड़ गिरा नहीं सकता, लेकिन एलिफेंट पेड़ को गिरा सकता है। आपके सामने एलिफेंट्स आ रहा है ना तो ह्यूज लगेगा आपको एलिफेंट, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उसका ऑरा ऐसा है, बहुत बड़ा होता है एलिफेंट। बंदर आ रहा था, ठीक है, आया चला गया। एनिमल के ह्यूमन स्ट्रक्चर से, एनिमल के स्ट्रक्चर से हम पता लगा लेते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो क्या करता होगा। ह्यूमन बींग में सबसे बड़ी दिक्कत है, हम सबका स्ट्रक्चर सेम है। राइट, हम सब एक जैसे लगता है तो हम पता नहीं लगा पाते कि इसकी पर्सनालिटी क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या है, इसकी टाइगर पर्सनालिटी है या फिर इसकी लायन पर्सनालिटी है। सर तक ये क्या होता है, टाइगर पर्सनालिटी मतलब वो हमेशा भूखा रहता है काम के लिए, किसी भी चीज के लिए। टाइगर क्या करता है, टाइगर का अगर पेट भर गया ना वो फिर भी आपको शिकार करता हुआ मिलेगा। लायन क्या है, जैसे ही लायन का पेट भर गया वो आराम से सो जाएगा। ठीक है, अगर मैं प्लैनेट स्टडी की बात करूं, 100% टीम में मेरे पास 70% टीम टाइगर है। मैं उनको कभी भी कुछ भी काम दे देता हूं क्योंकि मुझे पता है वो कर लेंगे, लेकिन 30% टीम ऐसी है जो लायन कैटेगरी में है। वो तब काम करेंगे जब उनका मन होगा काम करने का। आप उनको कितने भी कसमें वादे खिला दो, उनको गाड़ी के सपने दिखा दो, उनको घर के सपने दिखा दो, वो नहीं करेंगे। राइट, आप किसी टाइगर पर्सनालिटी के पास अर्निंग अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन लेके जाइए कि 1,00,000 रुपए महीना आप यहां से कमा सकते हो, वो जान लगा देगा अपनी, वो 1,00,000 को 3,00,000 में लेके आ जाएगा। लेकिन आप लायन पर्सनालिटी के पास लेके जाओ और उनसे कहो भाई आप यहां से 1,00,000 कमा सकते हो, आपकी कार आ जाएगी, ये आ जाएगी, भैया उसके सोने का टाइम हो चुका है। ठीक है, उसको मतलब नहीं है आप कितना कमा सकते हो, क्या कर सकते हो, उसका पेट भर गया, अब उसे कुछ नहीं चाहिए, वो अपने ताजमहल में खुश है। राइट, तो अगर आप टाइगर पर्सनालिटी हो आपके करियर बिल्कुल डिफरेंट होंगे, अगर आप लायन पर्सनालिटी हो आपके करियर बिल्कुल डिफरेंट होंगे। लोग कहते हैं वो काम नहीं करता, रहे नहीं भाई, उसकी टेंडेंसी वो है, वो काम इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता। राइट, उसकी क्रिएटिविटी लेवल का एक लिमिट है। और जो टाइगर पर्सनालिटी है वो तो ऐसे घूमता रहेगा, उसका पेट भर गया वो तब भी काम करेगा। कुछ लोग होते हैं ना, घर भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, बच्चे भी सेटल्ड है, फिर भी काम कर रहे हैं, भाई वो टाइगर पर्सनालिटी है, वो नहीं रुकेंगे, वो भरते रहेंगे पेट को अपने, भर पेट फुल हो गया फिर दोबारा डालेंगे कुछ ना, लेकिन वो खाते रहेंगे, उन्हें काम चाहिए, उन्हें चाहिए, भूखे हैं वो। लायन ऐसा है, उसका थोड़ा सा भी पेट भर गया अब वो कुछ नहीं करेगा भाई, अब वो नींद लेगा। राइट, तो अगर आपके बच्चे की टाइगर पर्सनालिटी है डिफरेंट करियर, लायन पर्सनालिटी है बिल्कुल डिफरेंट करियर, वो करियर होते हैं क्रिएटिविटी लेवल के। तो हमें यहां पर ये मैच करना पड़ेगा, पर्सनालिटी क्या है और उसके अकॉर्डिंग करियर क्या है, यहां पर ये अलाइनमेंट होगा।
राइट, हमने पहले एक चीज ढूंढ ली, दूसरी चीज ढूंढ ली, अब उनका यहां पर शादी की जाएगी कि कैसे ये चीज पूरी की पूरी फुलफिल होगी, राइट। तो अब ये सारा जब यहां पर अलाइनमेंट हो गया, उसके बाद स्टेप फोर क्या आएगा, स्टेप फोर आएगा उसकी जितनी भी डिटेल है जो आपने करियर फाइनल किया है अपने पर्सनैलिटी इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, अपनी लायन टाइगर पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। अब उसके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन सा है, उसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, स्कॉलरशिप क्या है, कट ऑफ स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है। अगेन ये 2 आवर्स का सारा काम है, ये सारा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार इसको रीड आउट करोगे, सारा प्रोसेस खत्म। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कंप्लीट आपको पता चल गया कैसे करियर काउंसलिंग होती है। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा सार तक, ये भी पता चल गया करियर गाइडेंस है क्या, ये भी पता चल गया करियर काउंसलिंग कैसे होती है, लेकिन अब कहां से करें, कैसे करें, ये तो बता दे भाई। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रेडी फॉर करियर काउंसलिंग, बट हाउ, कैसे हम करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। नंबर 1 इज फ्री, नंबर 2 इज हायरिंग एक्सपर्ट्स फॉर राइट डायरेक्शन। आप फ्री भी कर सकते हो, आप एक्सपर्ट्स को भी हायर कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, राइट, दिल्ली टू देहरादून टोटल डिस्टेंस कितना है, 256.4 किलोमीटर, एग्री, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। अगर आप पैदल जाते हो दिल्ली से देहरादून तो आपको 50 घंटे का टाइम लगेगा, 50 आवर्स ऑफ टाइम आपको लगेगा, आपका पैसा एक भी नहीं लगेगा। आप खाने पीने में खर्च करोगे, वो तो आप नॉर्मली भी करते हो, तो आपका जाने में पैसा कुछ नहीं लगेगा, आप सिर्फ पैदल जाओगे, 50 आवर्स का टाइम, ठीक है। आप ट्रेन के थ्रू जाते हो, आपका 7 आवर्स टू 8 आवर्स का टाइम लगेगा, और 500 टू 800 टिकट का प्राइस था, मैंने 600 कर लिया है, और आप ये तो है नहीं, रेलवे टिकट जहां पर आपका ट्रैक होगा, रेलवे ट्रैक वहीं पर घर है, आप वहां से जाओगे भी अपने घर तक, तो कुछ खर्चा वहां पर भी होगा, तो टोटल जो प्राइस निकल के आएगा वो आएगा ₹800 के आसपास। ये मैंने मिनिमलिस्टिक रखा और एवरेज रखा है, ठीक है। कार से आप जाओगे तो 4.5 to 5 आवर्स लगेंगे, और आपके जो खर्चा होगा वो होगा ₹1200 to 2000। अगर आप फ्लाइट से जाते हो आपका 1 घंटा लगेगा, और आपका जो खर्चा होगा वो 2500 से 3500 होगा। जैसे जैसे टाइम डिक्रीज हुआ वैसे वैसे पैसा इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे टाइम डिक्रीज हुआ वैसे वैसे पैसा इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे टाइम डिक्रीज हुआ वैसे वैसे पैसा इंक्रीज हुआ। अगर बच्चा अपनी करियर काउंसलिंग खुद करता है, पहले तो 1 साल उसको अपने आप को समझने में लगेगा, फिर 1 साल उसको अपनी रिसर्च करने में लगेगा करियर की, और जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है वो अब मिलाना, कोलैबोरेशन करना, वहां पर भी उसको 6 से 8 महीने लग जाएंगे। ये मेरी पर्सनल रिसर्च है, मेरी टीम की रिसर्च है, सारी रिसर्च मिला के यही कंक्लूजन पर आती है। 2 से 2.5 साल का एक कौन, जिसे कहते हैं ना, डेली बेसिस पर मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे को अगर उसको करियर काउंसलिंग करनी है, राइट। ये हो गया फ्री। अब अगर थोड़ा सा भी हमें कॉन्शियसली डिसीजन लेना है करियर का, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम आएंगे planetstudy.in पर। यहां पर कुछ आपका करियर असेसमेंट होगा, सार्थक उसमें क्वेश्चन क्या होता है, मैं पहली बार आज YouTube पे दिखा रहा हूं। स्ट्रीम सिलेक्शन कुछ सिक्योरिटी पर्पस है, वो हम यहां पर नहीं डिस्क्लोज कर सकते। EQ IQ आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपका इमोशनल क्वेश्चन क्या है, आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है, वो कैसे पता चलेगा। इफ अ फ्रेंड कॉल्स मी इन एन इमरजेंसी एट 9 PM आई विल आस्क माई पेरेंट्स टू गो एंड हेल्प हिम। मतलब एक क्वेश्चन आपके सामने आए, आपके बच्चे, अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपके बच्चे ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बच्चे आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इफ अ फ्रेंड कॉल्स मी इन एन इमरजेंसी, आपके दोस्त ने रात को 9 बजे आपको कॉल किया, अब आप क्या करोगे, उसकी एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। आप अपने पेरेंट्स को कहोगे कि भाई, पूछोगे उनसे कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए क्या, आप डायरेक्टली स्टार्ट हो जाओगे भाई मैं उसकी हेल्प करने जा रहा हूं, आप पेरेंट्स को कहोगे मैं जा रहा हूं, आप एक जगह पूछ रहे हो कि जाऊं या नहीं जाऊं, सेकंड ऑप्शन में आप कह रहे हो मैं जा रहा हूं, थर्ड ऑप्शन में आप कहते हो विल से टू माई फ्रेंड दैट ही कैन नॉट कम, आप अपने दोस्त को कहोगे कि भाई मैं नहीं आ सकता, और फोर्थ ऑप्शन में तो आपने उसका फोन आया, आपने फोन उठाया और साइड में रख दिया। सेम क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, आपको इसकी कोई प्रिपरेशन करनी है नहीं, ये क्वेश्चन के पीछे हमने इतने एनालिसिस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया ना, बच्चा इनका आंसर करेगा, हमारे पास सिग्नल आएगा और डिफरेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में हमारे पास मल्टीपल सिग्नल आएंगे, उसके बेसिस पे एक ऑटोमेटेड करियर रिपोर्ट जनरेट होगी। तो ये तो था EQ IQ। पर्सनैलिटी में किस टाइप का क्वेश्चन होगा, पर्सनैलिटी में ये होगा, व्हेन आई एम आस्क्ड टू डू 2 or more वर्क असाइनमेंट एट 1 टाइम आई कैन फोकस ऑन बोथ वर्क। मतलब 2 असाइनमेंट आपको मिले, अब आप दोनों काम पे फोकस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, आपको सच सच लिखना है बिल्कुल, वो आप यहां पर फिल करोगे। लर्निंग हैबिट, हम कैसे पढ़ते हैं, देखकर पढ़ते हैं, लिखकर पढ़ते हैं, बोलकर पढ़ते हैं, क्या चीज हमारे माइंड में जल्दी स्टोर होती है। व्हेन यू सी द वर्ड कैट यू पिक्चर अ कैट इन माइंड, आप अगर कैट को कहीं पर लिखा हुआ देखते हो तो आपके माइंड में कैट बनती है नहीं बनती, उसकी इमेज बनती है नहीं बनती, बनती है तो आपको एग्री करना है, थोड़ी सी बनती है तो स्लाइटली एग्री करना है, बाकी आप डिफरेंट ऑप्शन देख सकते हो। सो आप ये देख सकते हो, ये क्लास टेस्ट नहीं है, ये करियर असेसमेंट है, राइट। हमने बैकएंड पे इतनी कैलकुलेशन लगाई है, उसके बेसिस पे पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, EQ IQ सब कुछ इजीली फाइंड आउट हो सकता है। अब चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज एप्टीट्यूड। इसमें लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल एबिलिटी, तीनों चीजें कवर होंगी, राइट। हम यहां पर प्ले पर क्लिक करते हैं, मैंने ये पर्टिकुलर असेसमेंट पॉज करके रखा हुआ था। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एक्सेलरेट, एक्सेलरेट की करेक्ट स्पेलिंग होती है ये, यहां पर ये असेसमेंट हो जाता है फिनिश, ठीक है। मैं रिपोर्ट्स पेज पर क्लिक करता हूं, 1 2 3 less than 0.2 second,
ठीक है, आपके सामने आपकी दोनों रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, डाउनलोड डिटेल रिपोर्ट, डाउनलोड समरी रिपोर्ट। हम जाते हैं डिटेल रिपोर्ट पर। अब ये ऑटोमेटेड जनरेट हो गया, ये पूरा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे करियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट हुआ है, राइट। हर सिग्नल पर हमने एक लैंग्वेज लिखी है और वो लैंग्वेज अपने आप डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ आ रही है। अब यहां पर चेक कर सकते हो, पूरी रिपोर्ट कस्टमाइज है, कलर्ड रिपोर्ट है, स्टूडेंट आराम से इसको रीड आउट कर सकता है। और फर्स्ट प्रेफरेंस इज कॉमर्स, देन सेकंड इज पीसीबी, थर्ड इज ह्यूमैनिटीज एंड फोर्थ इज पीसीएम, राइट। इस बेसिस पे सारी रिपोर्ट जनरेट होगी। आप ये लैंग्वेज पढ़ोगे बहुत इजी लैंग्वेज में, जितनी इजी लैंग्वेज हो सकती है। मल्टीपल टाइम हमने इस लैंग्वेज को चेंज किया और एक ऐसी लैंग्वेज पर लेके आए जो हर स्टूडेंट आराम से समझ सकता है, राइट। तो इस लैंग्वेज को आप आराम से समझ सकते हो। आप कहोगे हम 42 पेजेस की रिपोर्ट नहीं पढ़ना चाहते, 8 पेजेस की रिपोर्ट आपके लिए भी अवेलेबल है। एक पेज में आपका पूरा का पूरा स्ट्रीम सिलेक्शन, सिंगल पेज में EQ IQ, सिंगल पेज में एडवांस पर्सनैलिटी, सिंगल पेज में लर्निंग हैबिट, सिंगल पेज में एप्टीट्यूड और लास्ट में एक मास्टर ग्राफ, एक आपका 360 डिग्री एनालिसिस देता हुआ, राइट। तो ये पूरा का पूरा करियर असेसमेंट था। मैंने आपको हर प्रॉपर्टी का, जो कॉन्फिडेंशियल थी मैंने उसको छोड़ा, हर प्रॉपर्टी का एक एक क्वेश्चन करके दिखाया और लास्ट में लाइव रिपोर्ट जनरेट करके दिखाई कितने टाइम में रिपोर्ट जनरेट होती है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम का हम डिस्कशन करते हैं, जो मेरे पास मेल पर भी आया, जो मेरे पास कमेंट्स में भी आया और जो मेरे पास क्वेरी आई है कि पेरेंट्स अलाउड नहीं कर रहे हैं हमें करियर काउंसलिंग के लिए, पेरेंट्स करियर काउंसलिंग परचेज नहीं करना चाहते। वैसे तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ देखना है, लेकिन अगर आपने अभी तक अपने पेरेंट्स के साथ ये वीडियो नहीं देखी है तो अब जो मोबाइल है वो अपने पेरेंट्स के हाथ में दे दीजिए प्लीज। नमस्ते पेरेंट्स, सार्थक देसाई फाउंडर प्लैनेट स्टडी, मेरी एज है 23 ईयर्स। अगर आपका कोई बच्चा मेरे से बड़ा है तो मुझे आप अपना छोटा बेटा मान लीजिए, अगर आपके बच्चे मेरे से छोटे हैं तो मुझे आप अपना बड़ा बेटा मान लीजिए। लेकिन प्लीज दो मिनट मेरी बात सुनिए। आपके बच्चे की जब तबीयत खराब हो जाती है ना, उसका टेम्परेचर हो जाता है 100 and 101, कुछ भी टेम्परेचर हो जाता है, आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हो, एक्सपर्ट के पास लेके जाते हो, आपकी पूरी गली में, आपकी पूरी सोसाइटी में हर इंसान को 101 टेम्परेचर हुआ है, आप उनके पास लेके नहीं जाते, आप डॉक्टर के पास लेके जाते हो जिससे आपका बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, राइट। आपके बच्चे को 9th क्लास में फिजिक्स का ट्यूशन लगाना है, आप उसको टीचर के पास भेजते हो, एक्सपर्ट के पास भेजते हो। 9th क्लास में फिजिक्स सबने पढ़ा है, आप ये नहीं कहते बराबर वाले अंकल से ये चैप्टर पढ़ के आ जा, सामने वाले आंटी से ये वाला चैप्टर पढ़ के आ जा, सबने पढ़ा है ये, लेकिन हम भेजते हैं एक्सपर्ट के पास। जब करियर की बात आती है तब ताऊ जी, चाचा, भैया, भाभी, ये सब क्यों आ जाता है, तब हम एक्सपर्ट के पास क्यों नहीं जाते, मेरा ये क्वेश्चन है। हमें एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा क्योंकि एक आजकल 21st सेंचुरी में, पहले का टाइम अलग था जो ट्रायल एरर से करियर बनते थे, 21st सेंचुरी में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसके बेसिस पर हम अपने करियर को शेप कर सकते हैं, हम आपके बच्चे के करियर को शेप कर सकते हैं। अगर आप 3000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हो AC के बिल में जिससे आपके बच्चे को नींद अच्छी आ सके, तो 2999 का हम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते एक करियर काउंसलिंग में, जिससे उसकी परमानेंट नींद अच्छी हो सकती है, जिससे उसको डेली अपने करियर में सेटिस्फैक्शन मिलेगा और वो रात को अच्छे से सोएगा। अगर आप 5000 रुपए साल का मूवी में इन्वेस्टमेंट करते हो, जो मूवी 4 महीने बाद टीवी पर आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ बच्चे की खुशी से कि उसको पहले देखना है, वो अपने फ्रेंड्स को बताएगा मैं वो मूवी देख के आ गया, अगर हम 5000 रुपए साल एक मूवी पर खर्च करते हैं तो 3000 रुपए जिंदगी भर के लिए हम करियर काउंसलिंग पे क्यों नहीं खर्च कर सकते, जिसके बाद बच्चा आपको खुद मूवी दिखाने ले जाएगा अपने पैसे से, राइट। ऐसा क्यों नहीं होता, मेरा ये क्वेश्चन है। 21st सेंचुरी में हम ट्रायल एरर के बेसिस पर करियर क्यों चूज कर रहे हैं, हमारी हर चीज की प्लानिंग है। हम कार परचेज करने जाते हैं, दुनिया भर की रिसर्च करते हैं, सारे ब्रांड देखते हैं, ट्रायल एरर करते हैं, उनकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग है। मोबाइल A to Z रिसर्च होती है, वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर, मोबाइल वाले के यहां पर जाके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे, तब जाके मोबाइल फाइनल करेंगे। लेकिन करियर इसमें कोई रिसर्च नहीं है। जिस करियर से मोबाइल आना है, जिस करियर से गाड़ी आनी है, जिस करियर से शादी होनी है, जिस करियर से सब कुछ होना है, उस करियर की कोई भी रिसर्च नहीं है, उस करियर का कोई भी एक वेल थॉट आउट प्लान नहीं है। मुझे इससे प्रॉब्लम है। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, रिक्वेस्ट यू ऑल टू इन्वेस्ट इन द करियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। आपके पास जो मोबाइल होता है ना, आप इस मोबाइल को अपने पास रख दीजिए और किसी भी बात का डिस्कशन करो, राइट। 2 to 3 days बाद आपके साथ ये पक्का हुआ होगा, आपके मोबाइल पर उस चीज का ऐड आ जाएगा। आप आईफोन का डिस्कशन कर रहे थे तो आईफोन आपके सामने आ जाएगा, राइट। मम्मी अगर कुर्ती का किसी का डिस्कशन कर रही तो कुर्ती का ऐड आ जाएगा। आपको कह रहे ये तो मैं भी 3 दिन पहले बात कर रही थी, ये कर रहा था, एकदम मेरे सामने आ गया, क्योंकि इसमें वॉइस रिकॉग्निशन लगा हुआ है। ये आपको कुछ क्लिक नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको सिर्फ नॉर्मली बात करनी है, ये आपकी वॉइस रिकॉग्नाइज करेगा, डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर में जाएगा, वहां से ये एड कैंपेन में जाएगा और आपको एड दिखेगा। इस लेवल की जब टेक्नोलॉजी है तो हम ओल्ड मेथड के बेसिस पर अपने करियर को क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्योर AI बेसिस पर, प्योर नो ह्यूमन इंटरवेंशन के बेसिस पर हम करियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। सो प्लीज इन्वेस्ट इन द करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। आप सबने जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए जोड़ा है, आप कोचिंग में इन्वेस्ट करते हो,
पहले बच्चा क्लास जाता है, उसके बाद वो ट्यूशन जाता है, उसके बाद एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हमने परचेस किया हुआ है, राइट। 1 लाख रुपीज हम इन्वेस्ट करते हैं बच्चे के ट्यूशन में, बच्चे के स्कूल में, और हर साल 1 लाख रुपीज करते हैं मिनिमम। तो क्यों ना हम 2999 भी एक बार इन्वेस्ट करके देखें और कैसे देखते हैं उसका करियर शेप ले सकता है। उसके इतने सारे डाउट होते हैं कि मेरी हैबिट क्या है, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, हर कोई आके अपनी अपनी बातें सुना के जाता है। अगर हम उसके बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट लें और उस पूरी रिपोर्ट का एनालिसिस करें, तो क्या आपके बच्चे की पर्सनैलिटी इंप्रूव नहीं होगी, क्या उसका इंटरेस्ट एनालिसिस नहीं होगा, क्या वो लाइफ में खुश नहीं होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू इन्वेस्ट इन द करियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म, और एक बार आप इन्वेस्ट करके देखिए। मैंने भी यहां पर 2 साल इस प्लेटफॉर्म को बनाने में लगाए हैं अपनी पूरी टीम के साथ विद द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ इंडिया। मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ टाइम का हमारा, आवर्स का इन्वेस्टमेंट हुआ है, मिलियंस ऑफ रुपीज का हमारा यहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म में लेकर आया हूं जिसके बेसिस पर 99% एक्यूरेसी के साथ में बच्चे का करियर बता सकता हूं क्या होगा। अगर मैं ये करियर काउंसलिंग नहीं कर पाया ना, फिर ना तो आप कर सकते, ना आपके घर में कोई कर सकता, ना ही उस पूरे इंडिया में कोई कर सकता है। सार्थक करना कैसे है, कुछ नहीं करना, आपको planetstudy.in पर आना है, आपके बच्चे की जो भी क्लास है आपको उस करियर प्रोग्राम पर क्लिक करना है, वहां पर जाके परचेस करना है। पहले एकेडमिक काउंसलर आपको कॉल करके सब कुछ समझाएंगे कि कैसे करियर काउंसलिंग प्लान होगी, उसके बाद आपका बच्चा रिपोर्ट जनरेट करेगा जैसे मैंने अभी करके दिखाई, उसके बाद हमारे करियर काउंसलर, PhD करियर काउंसलर, एक्सपर्ट करियर काउंसलर आपको कॉल करेंगे, और 1-to-1 बेसिस पे आप जिस कोचिंग में भेजते हो वहां पर 70:1 का रेशो होता है, 70 बच्चे 70 स्टूडेंट्स एक टीचर, यहां पर 1:1 का रेशो है, एक करियर काउंसलर एक स्टूडेंट। 1-on-1 बेसिस पर आपकी फोन काउंसलिंग होगी और A-to-Z सारे डाउट क्लियर होंगे। आपके जितने रिसोर्सेज हैं चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड में, आप उनसे जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन निकलवाना चाहते हो आप निकलवा लीजिए और उनको एक पेपर पे लिख लीजिए, हमारे काउंसलर्स आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। जान ले लो आप उनकी, लेकिन उनके सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर किया जाएगा, राइट। सो A-to-Z काउंसलिंग होगी, एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट होगा, पहले स्ट्रीम सिलेक्शन में हेल्प होगी, एक साल बाद उस बच्चे के करियर सिलेक्शन में हेल्प होगी, उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया, सारी पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, सब कुछ क्लियर किया जाएगा, सारे करियर की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, राइट। सो जस्ट इन्वेस्ट इन द करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। कैसे जाना है, आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां पर एक सर्कल आपको दिख रहा है, आप उस पर भी क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, एंड इट विल बी ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर योर चाइल्ड। और हम मिलते हैं ना आप सबके बच्चों की करियर काउंसलिंग रिपोर्ट्स के साथ। बाय बाय।